आज वो हमारे कराची के मौली साहब को परेशानी लगी थी, जामिया का कसूर बताएं। जामिया ने क्या किया है मुझे बता दीजिए। मैंने कहा जामिया से पूछ लेना कि ये अकीदा कतई मानते हैं या जन्नी। नहीं समझ आई? मैंने कहा जामिया के उस्ताद की बात नहीं कर रहा, आप जामिया के तालिब इल्म से पूछ लीजिएगा वो अकीदा कतई मानते हैं या जन्नी। ये आला हजरत के मसलक से हटे नहीं है, मुझे बताया जाए। और मैंने कहा मौली साहब डॉक्टर हो तो डॉक्टर ही रहो। आला हजरत की तालीम जामिया आला हजरत के नाम पे बना है। मैंने कहा आला हजरत के नाम पे जामिया बना है तो कल तू ऐलान करा, अगर तेरे अंदर जुरत है ऐलान करा कि सैयदी आला हजरत ने लिखा है कि अफजलियत शेखैन का अकीदा कतई है इजमाई है, इसके मुकाबले में अखबार आहाद तो आहाद दुआव तो दुआव, अगर कोई सही रिवायत भी आ जाए तो वो वाजिब ताबील है वाजिब रद है। मैंने कहा जा बाकी बातें तुझे माफ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जा बाकी बातें तुझे माफ है, और अगर कराची में तू मुझे बुलाएगा तो मैं कोई जुमेरात का सैयद नहीं बना। शजरा नसब वाला सैयद हूं अभी दिखा देता हूं। बगदाद शरीफ से अटेस्टेड है शजरा। किधर से? हाँ ये लदा बात है कि हम बगदाद से होके आके हमने लिखवा नहीं नकीबुल अशराफ, असल में होता वो अकीबुल अशराफ है। नहीं समझ आई आप? और असल होता है नकीबुल अशराब, हमने वो लिखवाया नहीं है भाई। बगदाद के जो शजरे जो छपते हैं उनके अंदर हमारा शजरा मौजूद है। मुल्तान में जो शियों के पास जो शजरा है ना, आज वो जिस जो टट्टू उठता है वो कहते हैं इसको बोलो अपना शजरा बयान करें। तो मैंने कहा मैं यार बेगैरत को अपना शजरा बयान नहीं करूंगा, जब पेड़ लगेगा तो वहां कहूंगा ये लो ये हमारा शजरा है। किसी के माई के लाल में जुरत है तो जुल्फिकार शाह के शजरे पर एतराज करें। ये रखा हुआ है यहां पर। तू कहता है कि जामिया का ऐसा कोई अकीदा दिखाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब बुला लियो, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, चार पांच मिनट का फासला 10 मिनट का होगा, लाइयो पूरे जामिया को बिठाइयो मेरे सामने। मैं उनसे सिर्फ ये पूछूंगा कि अफजलियत शेखैन का अकीदा कतई है जन्नी है, सारा मसला ही हल हो जाएगा। आला हज़रत ने लिखा सही रिवायत भी आ जाए ये कतई है इजमाई है, अगर इसके मुकाबले में सही रिवायत भी आ जाए वाजिब तावील है, और अगर तावील ना होती हो तो वाजिब रद है, उसको रद कर दिया जाएगा। जाओ डॉक्टर साहब ये क्लिप काट के लगाना मेरे बच्चों। डॉक्टर साहब बस इसी एक इबारत पर फैसला करवा लो, अगर हमसे जामिया का फैसला करवाना है इस एक इबारत पर फैसला करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।